प्यारे बच्चों, कल की जो क्लास हुई थी मुझे आशा है आपको समझ में आ गई हो। आज नई सुबह, नई उम्मीद और नई उमंग के साथ आज हम फिर एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक है गद्यांश भाग में से एक कवि है मिथिली शरण, उनकी रचना है आपके सामने लिखी हुई है कैकेयी का अनुताप। अनुताप का मतलब होता है पछतावा। अनुताप का मतलब होता है पछतावा। इसमें ये राम कथा में से लिया गया भाग है और कैकेयी का परिचय बताया गया कि उसने किस प्रकार से या उसके जीवन के अंदर ऐसे कौन कौन से द्वंद्व उत्पन्न हुए उसके बारे में बताया गया है। कैकेयी का वर्णन करने से पहले मैं आपको जो इस रचना के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, उनके बारे में बता दूं। सबसे पहली बात तो हिंदी साहित्य के अंदर मैथिली शरण जो गुप्त है वो इनकी एक उपाधि है, इनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। इनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है और ये उपाधि इनको महात्मा गांधी ने दी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। समझना है पहले आपको, बाद में लिखेंगे हम, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से हम इसको समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कैकेयी का अनुताप जो अपने पद्यांश भाग में से लिया गया है और इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म आपके सामने लिखा हुआ है 1866 ईस्वी में चीरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है? इनकी प्रमुख रचनाएं भी जो बहुत फेमस है, जो बहुत ही हिंदी साहित्य के अंदर फेमस है और वो कौन कौन सी है? पंचवटी, यशोधरा, साकेत, भारत भारती, द्वापर, जयद्रथ पद, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है, जब आप क्वेश्चन करोगे परीक्षा में जब आएगा तो उसमें दो तीन कवि की रचनाओं का भी नाम लिख देते हो तो एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा अलग इफेक्ट पड़ता है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो कोशिश करें कि इनकी रचनाएं भी आप एक दो याद रखें। मेरे यहाँ पर लिखाने का यही उद्देश्य है कि आपको एक दो रचनाएं अच्छी तरीके से इनकी याद हो जाए और जब आप क्वेश्चन को अटेंड करें तो ऊपर जब कभी परिचय लिखें तो उसमें ये चीजें जरूर आप इन्वॉल्व करें, सम्मिलित करें, ठीक है? जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत होगा और एग्जामिनर के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो चलो वापस मैं दोबारा शुरुआत कर देता हूँ कि अपनी बात चल रही थी मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त जो है इन्होंने बहुत ही आजादी के दौरान, उस समय जब आंदोलन चल रहे थे, भारत की जो स्थिति थी बहुत विकट परिस्थितियों से गुजर रहा था, आजादी से पहले की बात है या आजादी के दौरान आंदोलन के दौरान, उस दौरान उन्होंने बहुत ही राष्ट्रवादी या राष्ट्र भावना से ओतप्रोत रचनाएं लिखी। इसलिए मैथिली शरण गुप्त को
या राष्ट्रीय कवि या राष्ट्र कवि या राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवि कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो विचारधाराएं थी, जो गरीबों की आवाज थी, जो मूलभूत समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर के, उन समस्याओं के विषय को लेकर के इन्होंने वो रचनाएं लिखी। और इस वजह से लोगों के सामने उनकी समस्याओं को कविताओं के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया और बड़े ही सुंदर ढंग से। तब महात्मा गांधी इनसे प्रभावित हुए और इनको राष्ट्रकवि की उपाधि से नवाजा गया। ये तो था इनका लेखन परिचय। अब अपन पढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक है के का अनुता, आपको ये पार्ट मैंने समझाया हुआ है लेकिन मैं वापस दोबारा रिपीट कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं ताकि आपके मन मस्तिष्क में दोबारा वो चीज रिपीट हो जाए और याद आ जाए। मैंने आपको बताया था कि कई जो है, आप सबको पता है कि रामचरितमानस या रामकथा के मुख्य पात्र है और जो राजा दशरथ है उसकी पत्नी है। तो कैकेयी का अनुता इसमें विभीषण गुप्त ने जब अपनी काव्य रचना लिखी और इनकी काव्य रचना में जो उपेक्षित महिलाएं हैं, जो उपेक्षित महिलाएं हैं उनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ अपने काव्य में लिखा है। जैसे इनकी एक रचना है उर्मिला का विरह, उर्मिला का विरह, ये भी जो है इनकी जो रचना है साकेत इसमें से ली गई। और ये जो केकेयी का अनुताप है ये साकेत के, आपको बता दूं मैं कि ये जो रचना है ये ली गई तो साकेत से है, लेकिन साकेत का कौन सा सर्ग है? अष्टम सर्ग, आठवें खंड। सर्ग का मतलब होता है आठवां खंड, अष्टम सर्ग उसमें से ली गई है। सर्ग का मतलब होता है भाग, हिस्सा या खंड, ठीक है, उसमें से ली गई है। उसी प्रकार से तो उसमें मैंने आपको बताया था कि विभीषण गुप्त की जो रचनाएं हैं साकेत, उसमें महिलाओं को उपेक्षित बताया गया है जो उस दौरान की जो परिस्थितियां थी, तो उन परिस्थितियों के अंदर महिलाओं का जो द्वंद है, जो आंतरिक भाव है, उस भाव को इन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से बताया है। वैसे तो आप जानते हो कि इतिहास के अंदर कैकेयी जो है अपने छोटे से स्वार्थ के कारण पूरे जग के अंदर उसकी हंसी हो जाती है और आने वाली पीढ़ियों तक एक समाज के अंदर, एक देश के अंदर उसका नाम कलंकित हो जाता है और उसको एक कुमाता की उपाधि दे दी जाती है। आज कोई भी महिला या कोई भी महिला अपनी पुत्री का जो नाम है वो कैकेयी नहीं रहती, क्योंकि ये स्थिर हो गया, ये जो भाव है ये मतलब यूनिवर्सल हो गया,
सार्वभौमिक सत्य हो गया। लेकिन मैथिली सेन गुप्त जी ने इनकी रचनाओं के बारे में कैकेयी का जो द्वंद था, जो विचार थे, जो उस समय की परिस्थितियां थी, उसके बारे में बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़ा ही गहन अध्ययन करके उसको उचित ठहराया, उसकी आंतरिक भावना को महसूस किया है कि क्या वो परिस्थितियां थी कि कैकेयी को ऐसा जो निर्णय है वो लेना। आपको बता दूं कि कैकेयी ने क्या किया था रामचरितमानस के अंदर, राम कथा के अंदर आपको पता है कि राजा जो दशरथ थे उन्होंने वो वर दिए थे कैकेयी को, और उस वर के अंदर बताया था कि कैकेयी जब भी ये दो वर मेरे से मांगेगी तो मैं निसंकोच होकर के, चाहे वो वर कोई से ही हो, मैं निसंकोच होकर के राजा दशरथ को उसकी वीरता उसकी महानता से प्रसन्न होकर के दो वर देते हैं। और राजा दशरथ कहते हैं कि ये जब भी कैकेयी मांगेगी तो उसको तुरंत मैं निसंकोच होकर के दे दूंगा। जब समय आता है राम का राज्याभिषेक का, उसी दौरान कैकेयी जो है, हालांकि ध्यान रखना यहां पर कि कैकेयी जो है राम के बहुत प्रिय है, राम को अपना पुत्र के समान मानती है, राम को क्या मानती है अपना प्राण प्रिय पुत्र, क्या मानती है प्राण प्रिय पुत्र मानती है। उतना वो भरत अपने सगे पुत्र भरत से भी इतना उसका लगाव नहीं होता है, लेकिन आपको पता है कि उसी दौरान उस कथा में एक दासी मंथरा भी होती है, और मंथरा के बहकावे में आकर के कैकेयी अपना जो निर्णय है वो अनुचित ढंग से लेकर के स्वार्थ की भावना से ओतप्रोत होकर के वो ऐसा निर्णय लेती है और महाराज दशरथ से कहती है कि मुझे राम का वनवास चाहिए और मेरे पुत्र भरत का अयोध्या में राज्याभिषेक किया है। जब ये बात अयोध्या वासियों को पता चलती है तो अयोध्या के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे। कुछ समय बाद आपको पता है कि राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और कैकेयी जो है वो गोभवन पे जाकर के बैठ जाती है। ये बात भरत को पता चलती है तो भरत भी बहुत दुखी होता है, क्योंकि भरत भी जो है वो भगवान श्री राम का प्रिय भी है और भरत जो है भगवान श्री राम को अपने बड़े भाई को पिता के समान मानता है, क्योंकि वो उनके सामने साक्षात प्रतिमूर्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनको मानता है और पूछता है। जब ऐसी बात उसके कानों में लगती है कि मेरी माँ जो है वो ऐसा चाहती है कि मैं तो इस अयोध्या का राजा बन जाऊं, मेरा राज्य अभिषेक हो जाए और भगवान श्री राम जो है वो 14 वर्ष के लिए वनवास की ओर चले जाए, तब भरत भी दुखी होते हैं, राम को भी विश्वास नहीं होता है, राम भी अचंभित होते हैं। तो एक समय आता है अयोध्या में बैठक बुलाई जाती है और पंचवटी के आसपास, तो वहां पर कैकेयी भी आती है और कैकेयी अपना पछतावा करती है, अनुताप करती है, वो कह
कहता है, वो कहती है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बुरी भावना से या बहकावे में आकर के मंत्रा के द्वारा मेरे जो विचार है मेरे मस्तिष्क को कुपित किया गया, दूषित किया, और पश्चाताप करती है। लेकिन उस समय भरत अपने मां से कहते से बहुत दुखी होता है और अपने आप कह देता है कि ऐसी मां ने मेरे को क्यों जन्म दिया जो मेरे लिए ही मृत्यु का कारण बन रही है या मेरी मृत्यु का कारण बन रही है। आज परिस्थितियां अयोध्या की अलग है, भगवान श्री राम वनवास की ओर जा रहे हैं, सीता जा रही है और उनके साथ लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तो पूरा जो परिवार है वो टूट रहा है दशरथ की मृत्यु के बाद। ऐसा संकट समझ में नहीं आ रहा किसी भी पात्र को कि अब क्या किया जाए। परिस्थिति देखिए, कैकेयी तो अनुताप कर रही है, उसको पछतावा हो रहा है। उधर भरत जो है वो अपनी माता कैकेयी को कह देती है कि अब आपको यह अधिकार नहीं है, या आपने जो मुझे पुत्र कहलाने का जो अधिकार है आज के बाद आपने वो खो दिया है। तो बड़ी घोर गर्जनाओं के साथ जब ऐसे वचन बोले जाते हैं तो राम सीता लक्ष्मण उनकी भी बहुत बड़ी निकट समस्या है। लेकिन भगवान राम की यहां पर मर्यादा देखिए, वो इस चीज से भी नाखुश नहीं है बल्कि खुश है कि जो कुछ हो रहा है उसमें किसी का दोष नहीं है। वो वनवास में जाते समय भी कहते हैं कि पांव छू करके उनका आशीर्वाद लेकर के रवाना होते हैं, तो उस समय की जो परिस्थिति है कैकेयी का पश्चाताप, उसके आंखों से ऐसा लग रहा है आंसू की नदियां बह रही हैं, माता सीता की आंखों से, भगवान श्री राम की आंखों से, लक्ष्मण की आंखों से, और भरत की तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक बनी हुई। वो अपनी मां को भी कुमाता कह देता है और कहता है कि अब मां कहलाने का अधिकार आपने खो दिया है, वो तो मरने के समान है, मरण के तुल्य हो गया था। तो उस समय की जो परिस्थिति थी, जो विचार थे, जो उस समय का जो माहौल था, उस परिस्थिति को, उस द्वंद को मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना साकेत में सम्मिलित किया है। और उस समय की जो उपेक्षित नारी थी कैकेयी, उसके अंतर्मन को गहनता से अध्ययन किया है और उसके क्या विचार थे, उस समय क्या परिस्थितियां थी, उसके बारे में बताया गया है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैकेयी का अनुताप क्या है। विश्वास है कि जो कुछ भी बात बताई, जो कुछ भी आपके सामने एक प्रस्तावना रखी मैंने, वो आपको समझ में आ गई होगी। आपके पास नोटबुक भी है और जो नोट्स आपको उपलब्ध करवाए हैं उसको आप देखोगे, वापस दोबारा इस टॉपिक को समझ में आ जाए। अब अपन इसका क्वेश्चन करते हैं जो 16 नंबर का आता है, आपको पता है वो क्वेश्चन कैसे आया है। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही कठिन नहीं होगा, लेकिन अगर आपने सही ढंग से उसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो अच्छे ढंग से आप उसको लिख पाओ। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। आप हेडिंग डालिए,
कैके का अनुता आज का टॉपिक है। और आज का प्रश्न लिखिए, कैके का अनुता, कैके का अनुता शीर्षक कविता के मूल भाव को स्पष्ट करते हुए कैके के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं। कैके का अनुता शीर्षक कविता के मूल भाव को स्पष्ट करते हुए कैके के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। अथवा करके एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि एग्जामिनर क्वेश्चन वही होगा, उसका उत्तर वही होगा, लेकिन उसकी आप उसकी भाषा जो है, उसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर देगा। तो आपको घबराना नहीं है सर, मैं कौन लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिए अथवा करके, मैथिली शरण गुप्त जी ने कैके के चरित्र को, कैके सब ज्ञान करना, क्योंकि शुद्धिकरण में भी आपसे पूछा जा सकता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आरएसओ की परीक्षाओं में, आप कंपटीशन की परीक्षाओं में ये कैके शब्द पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना, मैं आपको शुद्धिकरण में भी लिखवाया है। तो क्वेश्चन लिख रहे थे अपन, मैथिली शरण गुप्त जी ने कैके के चरित्र को किस प्रकार नया रूप दिया है, कथन को स्पष्ट किए, किस प्रकार नया रूप, मतलब चरित्र की विशेषताएं पूछी जा रही है आपसे कि उसका चरित्र कैसा है। लिखे, शुरुआत करते हैं अपनी लेखनी पर, थोड़ा ध्यान देते हुए लिखे, साफ साफ लिखे। लिखे, पाठ्यक्रम में संकलित कैके का अनुता, पाठ्यक्रम में संकलित कैके का अनुता शीर्षक मैथिली शरण गुप्त के, मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य, साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग का मतलब है पांचवें भाग से लिया गया है। गुप्त जी की यह विशेषता है कि वे विकर्त पात्रों, विकर्त का मतलब भी यहां पर यह भी है उपेक्षित पात्र को चैत्र का परिष्कार भी किया है। कैके का अनुता अंश ऐसा ही एक अंश है जिसमें कैके ने राम को वनवास देकर जो अपराध किया था उसका मार्जन कैके के पश्चाताप द्वारा कराया गया है। मतलब वो अपने अंदर कैके जो है वो पछतावा करती है, ग्लानि महसूस करती है, उसका मार्जन वो कैसे कर रही है, पश्चाताप करके कर रही है, जो निम्न बिंदुओं के आधार पर आगे लिखेंगे, जो निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर वन लिखे, इसमें पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। कैके चित्रकूट में जाकर अपने अपराध को सार्वजनिक सभा में स्वीकार करते हैं, जो उसने अपराध किया था और उस अपराध का वो बोध करती है कि नहीं मैंने गलत किया, और वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती है। मैंने आपको बताया था कि पंचवटी में
सभा आयोजित होती है और उस सभा के अंदर स्वीकार करती है कि हाँ मैंने ऐसा ये कुकृत्य किया है। वह राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करती है, वह राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करती है और यह कहकर कि इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे और यह कहकर कि अपराधी मैं हूं ता तुम्हारी मैया अपनी भूल को प्रत्यक्ष कर स्वीकार करती है। देखिए दोबारा इस पैर को सुनिए कि कहीं चित्रकूट में जाकर अपने अपराध को सार्वजनिक सभा में, सार्वजनिक मतलब सभी के सामने स्वीकार करती है और वह राम को अयोध्या लौटने का आग्रह करती है और यह कहकर कि कैसे आग्रह कर रही है, यह कहकर कि अपराधी मैं हूं ताप तुम्हारी मैया अपनी भूल को प्रत्यक्ष स्वीकार करती है। देखिए आपने दूसरा लिखा है, दूसरा पॉइंट नहीं है, ऐसे ही नंबर टू डाले उसमें लिखे हैं कहकर यह भी कहती है कि राम को वन में भेजने में भरत का कोई हार अथवा दोष नहीं है। रही मंथरा दासी की बात, उसने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित अवश्य किया। भाई मैंने आपको बताया था ना कि केकई को बाद में प्रस्ताव आता है क्योंकि वो मंथरा के विश्वास में आ जाती है, मंथरा की अंधकल बातों में आ जाती है, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और ऐसा निर्णय ले लेती। तो उसने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित अवश्य किया था किंतु यदि मैं अपने मन में दृढ़ रही होती तो मंथरा भी क्या कर सकती थी। यदि मैं अपने मन में दृढ़ रही होती तो मंथरा भी क्या कर सकती। मतलब यहां पर इसका यह है कि खुला चैलेंज कर रही है, खुला अपने ऊपर आरोप स्वीकार कर रही है कि हाँ ये मेरी ही गलती, अगर मंथरा कह भी देती और मैं अपने मन पर अडिग रहती, मेरा विचार अडिग रहता तो आज ये स्थिति, आज ये नौबत ऐसी नहीं होती। उसमें मंथरा को कोई दोष नहीं है, सारा का सारा जो दोष है वो मेरा है क्योंकि मेरे द्वारा ही ऐसी बातें रची गई, मेरे ही मन के अंदर ऐसा द्वेष भाव आया था। इसलिए आपने तीसरा लिखा इसमें कैकेयी यह स्वीकार करती है कि जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था तब मेरे ही मन में ईर्ष्या के भाव जागृत हुए। यह ठीक है कि राम मुझे भरत से कहीं अधिक प्रिय था किंतु विनाशकारी विपरीत बुद्धि के आधार पर प्रियता के ऊपर ईर्ष्या हावी हो गई। मंत्रा क्या कह रही है कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब समय बुरा होता है तो बुद्धि जो है वो कार्य नहीं कर पाती और बुद्धि उस समय विनाश की प्रस्तुति के और अग्रसर होती रहती।
जिसके कारण प्रियता के ऊपर, प्रेम भाव के ऊपर ईर्ष्या क्या हो गई थी, हावी हो गई थी। चौथा पॉइंट लिखे इसमें, कैकेयी अपने अपराध के बदले दंड को स्वीकार करती। कैकेयी अपने अपराध के बदले दंड को स्वीकार करती है और कहती है कि, क्या कहती है, मुझ पर तीनों लोग थूके और युग युग तक यह कठोर कहानी कही जाती रही। मतलब इतना पछतावा करती है कि उसके भाव से ऐसा लग रहा है कि क्या परिस्थितियां थी उस समय, और वो मन ही मन सोच रही कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि मुझे तो इसका ऐसा दंड मिलना चाहिए कि तीनों लोग जो है वो मेरे ऊपर थूके और ये कठोर जो कहानी है वो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में भी लोग के द्वारा कही जाती है। अब आप हेडिंग डालिए कैकेयी का व्यक्तित्व। उसमें लिखे आप, कैकेयी का अमिताभ कविता में कैकेयी की जो विशेषताएं उभर कर आई है उनमें प्रमुखता तो कैकेयी का अपने अपराध को स्वीकार करना है और साथ में पश्चाताप भी है, किंतु कुछ अन्य विशेषताएं भी उजागर हुई है जिसको हम निम्नांकित शीर्षकों से व्यक्त कर सकते हैं। मैग्निशन गुप्त ने किया है, मैंने बताया था ना, मैग्निशन जो है वो अपेक्षित, जो अपेक्षित महिलाएं हैं, जो जैसे आपके उर्मिला है, कैकेयी है, यशोधरा है, उन सब के बारे में उन्होंने बताया है। उनका बहुत ही सुंदर ढंग से उनके आंतरिक भावों के विचारों को टटोल करके लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो नंबर वन पॉइंट आई थी कैकेयी चित्रकूट में अपने वैधव्य को, कैकेयी चित्रकूट में अपने वैधव्य रूप, वैधव्य का मतलब क्या होता है, वैधव्य से क्या, वैधव्य का मतलब होता है विधवा पर, क्या मतलब होता है विधवापन, लिख लिया होगा आपने, योजक चिन्ह लगा करके इसमें लिखें, कैकेयी चित्रकूट में अपने वैधव्य के रूप में सामने आई है। जब वह राम को अयोध्या लौटने के लिए दृढ़ स्वर में कहती है तब उसका वैधव्य रूप ऐसा मालूम होता है कि जैसे चंद्रमा की श्वेत किरण तुषार से आवृत हो, तुषार से आवृत हो। कैकेयी में अपराध बोध बहुत गहरा है, वह राम के सामने अपराध को स्वीकार कर लेती है और साथ भी यह स्पष्ट कर देती है कि इस अपराध के मूल में मात्र वो ही है, कोई और नहीं, खुले आम से स्वीकार करती है।
ये जो अपराध किया गया उसके पीछे किसी का भी षड्यंत्र नहीं है, इस अपराध में मात्र और मात्र मैं ही शामिल हूँ और ये मेरे विचार के द्वारा ही, मेरे मन के द्वारा ही प्रस्फुटित हुआ है। आत्मविश्लेषण के द्वारा कहते यह भी प्रकट करती है कि जो ज्वलनशील भाव उसके मन में उद्भूत होते उन्होंने ही उससे वह कुकृत्य करवाया। देखो क्या कह रही है, आत्मविश्लेषण वापस आत्मविश्लेषण करती है, कह गई कह तो देती है, राजा दृश्य से दो वर्त मांग लेती है, भगवान श्री राम को वनवास भेज देती है, लेकिन जब वो अपना आत्मविश्लेषण करती है, मंथन करती है, तो वो प्रकट करती है कि जो ज्वलनशील भाव उसके मन में उदित हुए थे, प्रकट हुए थे, उन्होंने ही उससे वह कुकृत्य कराया। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्लेषण करता है तब वह तटस्थ मुद्रा में होता है, तब वह तटस्थ मुद्रा में होता है और साथ ही उसका चित्त जो है वो निर्बल भाव से सारी स्थिति का विश्लेषण और मूल्यांकन सही ढंग से करता है। कैकेयी का व्यक्तित्व भी इसका अपवाद नहीं है। यही कारण है कि आत्मविश्लेषण के दौरान कैकेयी स्पष्ट रूप से कहते हैं, यही कारण है कि आत्मविश्लेषण के दौरान कैकेयी स्पष्ट रूप से कहती है, क्या कहती है, इन्वर्टेड कोमा में लिखना, क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह ना सका न निज विश्वास, मेरा ही मन रह ना सका निज मन विश्वास। क्योंकि वो आत्मविश्लेषण कर रही है और जब व्यक्ति आत्मविश्लेषण करता है किसी गलती के ऊपर या किसी उसके द्वारा ऐसा कोई कुकृत्य हो गया है तो आपने गौर किया होगा कि उस समय उसका जो मन है ना एकदम निर्मल होता है, साफ होता है और उस समय वो अपने मन में जो भाव आते हैं अपने द्वारा किए गए कार्य पर अफसोस जताता है, तो एकदम सत्य बोलता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। तो यहाँ पर मैथिलीशन गुप्त ने कैकेयी के मन को जाना है, उनके मन के विचारों को अपनी कविता के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। हालांकि रामचरितमानस के अंदर कैकेयी एक उपेक्षित नारी है जो आज भी या आने वाली वीडियो में भी उसको उपेक्षित ही माना जाएगा, लेकिन मैथिलीशन गुप्त ने उसको एक अलग एक विशेष रूप में उसके अलग मन को जान करके उसको एक सम्मान दिलाया है। वो वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, पश्चाताप की प्रतिमूर्ति के रूप में, पश्चाताप की प्रतिमूर्ति के रूप में। इस अंश में कैकेयी का व्यक्तित्व पर्याप्त विस्तार से सामने आया है। अपने अपराध को स्वीकार करते हुए, अपने अपराध को स्वीकार करते हुए वह यह घोषणा करती है कि उसने जो भी किया उसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार। अतः तीनों
लोगों को उसे लांछित करने का अधिकार है। तीनों लोगों को उसे लांछित करने का अधिकार स्वीकार कर रही है। कहते अपने कुमाता रूप को भी स्वीकार करती है और पश्चाताप की ज्वाला में जलती हुई कहती है कि मैंने जब राम का वनवास मांगा था, मैंने जब राम का वनवास मांगा था तब मात्र स्वार्थ सिद्धि से, तब मात्र स्वार्थ सिद्धि से प्रेरित होकर ही ऐसा किया। यदि मानस में परमार्थ भाव जग गए होते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। कैकेयी का पश्चाताप निम्न पंक्तियों में भी मुखरित होता है या स्पष्ट होता है, उसको लिखें आप इन्वर्टेड कोमा में। कैकेयी क्या कहती है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अबाधिन रानी, रघुकुल में भी थी एक अबाधिन रानी। नंबर 5 में लिखे कैकेयी अपने पश्चाताप के बावजूद अपने वात्सल्य हृदय को भी व्यक्त करती है। वात्सल्य हृदय मतलब वात्सल्य प्रेम, माता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य प्रेम है। वह वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर भी भाइयों में परस्पर प्रेम चाहती है। वो यह चाहती है कि ये मैंने जो करते तो कर दिया, लेकिन ये चाहती है कि इन भाइयों में परस्पर क्या रहे, प्रेम रहे, सद्भाव रहे। संसार में हमेशा स्वात्विक प्रवृत्तियां ही फलीभूत होती है। और कई बार कुप्रवृत्तियां भी सात्विक प्रवृत्तियों पर हावी हो जाती है। अंत में प्रभु श्री राम कैकेयी के अपराध बोध का परिमार्जन करते हैं, और परिमार्जन कैसे करते हैं, वो शब्द क्या है हम उसको लिखे हैं। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सावर। भगवान श्री राम जब कैकेयी को कैकेयी अपना आत्म विश्लेषण करती है, आत्ममंथन करती है, अनुताप करती है और याचना करती है भगवान श्री राम से, तो भगवान श्री राम आपको पता है मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके विचार हमेशा प्रांजल है, शुद्ध है, और वो क्या कहते हैं, शोभा धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सावाय। लिखा आपने निष्कर्ष रूप में लिखे, संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि कैकेयी का व्यक्तित्व संकलित अंश में अपराध बोध से आवर्त तो है ही, पश्चाताप की भावना से भी पूर्णतया युक्त है। कैकेयी को पश्चाताप की चरम सीमा पर पहुंचाकर उसके अपराध का यत्किंचित मार्जन अवश्य कर दिया है।
लिख लिया होगा आपने शायद, यत किंचित मार्जन अवश्य कर दिया है। ये यहां पर अपना क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपने सही ढंग से लिख लिया होगा और इसको समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अपने कमेंट्स करके मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे ढंग से सही ढंग से वापस दोबारा समझा सकूं। वैसे आपको एक बार समझाया हुआ भी है घर पर, आप जब वापस अपनी नोटबुक में देखोगे और टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और वापस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाए। जहाँ कुछ आपको लगता है कि कुछ लाइन में डाउट है या कुछ शब्द समझ में नहीं आए तो आप मुझे अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। आपकी जो शंका है उसको जरूर दूर किया जाएगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ और कल नई एक उम्मीद उमंग के साथ, नई जोश के साथ हम आपके सामने एक नई आशा के साथ प्रस्तुत होंगे और एक नए प्रकरण की व्याख्या करें। धन्यवाद।